हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस गुरुजी। बहेल में भर्ती निकली है, काफ़ी ज़्यादा भर्तियां हैं और सबसे मेन बात यह है कि सभी के लिए है। अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो भी आप भर सकते हैं, अगर आपने टेंथ कर रखा है उसके बाद 10+2 के बाद एनसीवीटी का जो कोर्स हो रखा है वो कर रखा है तो भी आप भर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपने बीटेक कर रखी है तो भी भर सकते हैं, एमटेक कर रखी हो तो भी भर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज़ के बारे में जानेंगे, यहाँ पर एक एक चीज़ की मैं बात कर लेता हूँ। ट्रेड ड्यूरेशन दिया हुआ है यहाँ पर, आपने फीटर में किया है आईटीआई, 12 मंथ का आपका ड्यूरेशन है और वैकेंसी इसकी कितनी है, 210 वैकेंसियाँ इसकी है। अब यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा फिर अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने की जो डेट है वो 13 तारीख तक है अभी सितंबर की, तो आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं, अभी टाइम है, लेकिन एक दो दिन में ही कर दें ताकि आपका फ़ायदा होगा, जल्दी भरेंगे तो सेंटर वगैरह आने में। पास्ट होना चाहिए आपको, टेंथ क्लास होना चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए आपका 10th क्लास का पास। अंडर 10+2 सिस्टम ऑफ इक्वल एजुकेशन विद द साइंस एंड मैथ एंड सब्जेक्ट फॉर इट्स इक्वलेंट टू द पास 2 ईयर ट्रेनिंग। मतलब कुल मिला गया या तो साइंस से मैथ से हो या आईटीआई का डिप्लोमा हो, इश्यूड बाय किसके द्वारा हो, एनसीवीटी, ठीक है ना, एनसीटीवीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त आपका डिप्लोमा होना चाहिए। वेल्डर जी एंड ई के लिए 12 मंथ का आपका ड्यूरेशन होना चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए वेल्डर की, और उसके लिए जो आपका यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है 115 वैकेंसी है, वही जो सेम टू सेम इसमें थी। ट्रेनिंग जो है यहाँ पर 2 ईयर की जगह, इसमें पहले वाले में 2 ईयर की ट्रेनिंग दे रखी थी, इस दूसरे वाले में सिर्फ 1 ईयर की ट्रेनिंग मांगी, इसमें 2 ईयर की मांगी थी। आगे हम चलें, आगे टर्नर की जो वैकेंसी है उसमें भी 28 पोस्ट हैं और वही सेम टू सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे रखी, 10+2 या आईटीआई होना चाहिए, और 10+2 अगर आप नहीं हैं तो 10th पास के बाद 2 ईयर का आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। कुल मिलाकर वो इक्वलेंट टू 12th ही हो जाता है वो। आगे आते आपके इलेक्ट्रीशियन की, जो 12 महीने का आपका जो है ड्यूरेशन होना चाहिए, 40 पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। भेल का जो है वेतन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और रिपोर्टेड कंपनी तो है ही, आप सब जानते होंगे। फिर आगे जाती है मोटर व्हीकल के लिए आती है मैकेनिक की, 15 पोस्ट हैं, सेम टू सेम वैसा यहाँ पर रहने वाला है जो ऊपर लिखा हुआ है। आगे हम चलें, डीजल मैकेनिक की आती है, इसमें 15 वैकेंसी है और 10th पास होना चाहिए और 10+2 वही एनसीटीयूटी वाला मान्यता प्राप्त आपका सर्टिफिकेट हो या तो आईटीआई का या नहीं है तो आप जो है उसके अलावा 10+2 के साथ साइंस मैक्स होना चाहिए उसके बाद 11th और 12th में। अगली जो 8वें नंबर की वैकेंसी अपनी आती है वो आती है मैकेनिकल वालों के लिए, जिन 12 मंथ का जो डिप्लोमा होता है आईटीआई का मैकेनिकल के अंदर, 15 पोस्ट हैं, 10th पास या इसके अलावा 10+2 अगर आपके पास हो, साइंस मैथ से होना चाहिए वो, अगर ये नहीं है तो आपके पास इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होना चाहिए और 2 ईयर की ट्रेनिंग आपके पास आईटीआई के अंदर होना चाहिए और ये आईटीआई जो है एनसीटीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आगे चलते हैं, प्रोग्रामर, सिस्टम असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, ज़्यादा काम इनके पास नहीं होता, सिस्टम असिस्टेंट का काम बहुत अच्छा होता है। 40 पोस्ट हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ट्रेड, इसमें आपके पास 10+2 या सिस्टम का जो इक्विवेलेंट होता है इसके 10+2 के, वैसे मान्यता प्राप्त जैसे कोपा का भी एक होता है आईटीआई के अंदर, वैसी डिग्री हो या फिर आईटीआई होना चाहिए आपकी कोपा के अंदर, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड के अंदर, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं, अगली जो आती है वो आती है कारपेंट ट्रेनर। कारपेंट ट्रेनर के लिए 10th पास हो या आईटीआई वाला सीन इसमें भी सेम सेम बैठता है जो पहले बताया गया है। आगे हम चलते हैं, प्लम्बर की आती है, प्लम्बर की 10 पोस्ट हैं, इसमें 8th पास ही मांगा है, तो 8th पास या 10+2 सिस्टम और इसके इक्विवेलेंट 1 ईयर की ट्रेनिंग इन आईटीआई ट्रेड के अंदर आपकी होनी चाहिए। ऐसे कई सारे सर्टिफिकेट आते हैं एनसीबीटी वाले और भी, तो उसको आप इसे यहाँ इक्विवेलेंट मान सकते हैं। अगली अपनी आती है एमएलटी पैथोलॉजी, इसके अंदर 3 पोस्ट हैं, 12वीं पास होना चाहिए, एग्जामिनेशन आपका और लास्ट 3 ईयर का जो है 2016-17-18, अंडर 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना चाहिए। तो ये सभी के लिए, जिसने बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, बीएसटी, आईटी, एमएससी, आईटी, बीसी है, कोपा वाली पोस्ट आपके लिए है, ऐसे कई सारी पोस्ट हैं। यहाँ पे देखो दिया हुआ है आपकी एज लिमिट के बारे में बताया हुआ, 18 से 27 वर्ष आपकी उम्र होना चाहिए, 13/10/2018 तक, ठीक है ना। एज रिलेक्शन 5 साल का होता है एसटीएससी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है और 3 साल का ओबीसी के लिए होता है। आगे अगर मैं इसकी डेट्स वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पर पूरी बताई हुई है, देख लीजिए, जो फॉर्म आया था फॉर्म की डेट थी 29/8/2018 निकल चुकी है, फॉर्म तो निकल चुका है, ठीक है, और
ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट जो है 13/9/2018, तो यू हैव समथिंग 7 and 8 days, उसके तक आप भर सकते हैं। उसके ज़्यादा बाद आप मत भरिएगा, ऐसा नहीं है कि 13 है तो 13 को ही भरें, क्योंकि ये साइट जो है आजकल हैंग हो जाती है, तो इस वजह दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने 7 and 8 days बताया। तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरें, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और टोटल वैकेंसीज की मैं बात करूँ तो 500 से ऊपर है ये, और काफ़ी अच्छी पोस्टें देख लीजिए आप। ये कुछ एक पोस्टें तो बहुत ही बेहतरीन है, जिसे मैं आपको बताई कोपा वाली जो 40 पोस्टें हैं, और इनमें अगर आप तैयारी करके दें तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इन स्पेसिफिक वैकेंसीज के लिए ज़्यादातर अप्लाई नहीं करते हम, स्टेट वैकेंसीज़ के लिए या जो स्पेशल वैकेंसी होती है जैसे SSC हुआ, ये हुआ, इनके लिए ज़्यादातर लोग तैयारी भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं, पर्टिकुलर इनके लिए कोई ना कोई तैयारी करता है ना कराते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ एक चांस बनता है, इसी का आपको फ़ायदा उठाना है। और कोई जानकारी चाहिए हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये पूरा PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, और सारा PDF की हिंदी में भी वहाँ पे जानकारी दी हुई है हमारे साइट पे, उसको भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर उसके बावजूद भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके पूछेगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।